अगर आप यूजीसी नेट पेपर वन की बेस्ट बुक्स चाहते हैं तो अब अमेजोन पे भी अवेलेबल हैं, वो भी कैश ऑन डिलीवरी में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके ये परचेज कर सकते हैं। पेपर वन पेपर टू का डेली वीडियो पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर वन पेपर टू का फुल कोर्स पीडीएफ ले सकते हैं या घर बैठे बुक्स भी मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना होगा या व्हाट्सअप करना होगा इस नंबर के ऊपर। सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। जैसे कि हमने मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में पहले जाना था कि मल्टीकल्चरलिज्म है क्या, जो बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, ये एक मल्टीकल्चरल कंट्रीज हैं जिसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। सो आगे इनकी फॉर्म्स भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद मल्टीकल्चरलिज्म फॉर्म्स। As stated earlier, the term multiculturalism has number of meanings and has been used in a variety of ways. तो मल्टीकल्चरलिज्म के बहुत सारे मीनिंग भी हैं। हम कह सकते हैं कि मल्टी रेसिस हैं, मल्टी इतनी ग्रुप्स हैं, मल्टी कल्चर है, मल्टी पर्सनल आइडेंटिटी डिफरेंट है। तो इसी तरीके से इसके अलग अलग मीनिंग्स भी हैं और अलग अलग वे से इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। सम क्रिटिक्स फील दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन मल्टीकल्चरलिज्म एग्जैक्टली। लेकिन कई क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इसे डिफाइन करना एग्जैक्टली कि मल्टीकल्चरलिज्म है क्या, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एंड्रिया हेवर्ड द क्रिटिक टॉक्स अबाउट टू फॉर्म ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। एंड्रिया हेवर्ड ने दो तरह के मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में बताया है। दे आर डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव। नंबर वन इज़ डिस्क्रिप्टिव एंड अदर इज नॉर्मेटिव। एज अ डिस्क्रिप्टिव टर्म इट हैज़ बीन टेकन टू रेफर टू कल्चरल डाइवर्सिटी एंड एज अ नॉर्मेटिव टर्म मल्टीकल्चरलिज्म इम्प्लाइज अ पॉजिटिव इंडोर्समेंट इवन सेलिब्रेशन ऑफ कम्युनल डाइवर्सिटी। तो डिस्क्रिप्टिव टर्म में क्या है, इसे कल्चरल डाइवर्सिटी की तरह लिया जाता है कि जैसे अलग अलग कल्चर्स हैं उनमें भिन्नताएँ पाई जाती हैं, डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। तो इसी तरीके से जो नॉर्मेटिव टर्म है उसे अपने मल्टीकल्चरलिज्म को एज अ पॉजिटिव इंडोर्समेंट लिया जाता है कि जो कम्युनल डाइवर्सिटी है उसे सेलिब्रेट किया जाता है कि सभी में चाहे भिन्नताएँ हैं लेकिन वो एक ही हैं। टिपिकली बेस्ड ऑन आइदर the rights of different groups to respect and recognition or to the alleged benefits to the larger society of moral and cultural diversity। तो क्या करते हैं, सभी का बेनिफिट करते हैं, जितनी ज़्यादा बड़ी सोसाइटी है उनके अलग अलग कल्चर और मॉरल वैल्यूज़ हैं, उन्हें सभी को वो क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं। The first form only refers and registers the presence of various groups, whereas the second accepts to do something not only to maintain the minority identity but to help them to improve। पहले तो सिर्फ रेफर और रजिस्टर किया जाता है कि कितने ग्रुप्स हैं, फिर वो क्या करते हैं कि यही नहीं कि कैसे माइनॉरिटी की आइडेंटिटी बननी चाहिए लेकिन उनको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए वो जो है सेकेंड में करता है। इन द कनेक्शन राजीव भार्गवा इन हिज आर्टिकल द मल्टीकल्चरल फ्रेमवर्क ऑब्जर्व, राजीव भार्गवा जी ने मल्टीकल्चरल फ्रेमवर्क में क्या कहा है मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द करंट कॉन्टेक्स्ट विद इन विच सच डिमांड्स फॉर पोलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन आर मेड। टू एम्फेसाइज दिस कॉन्टेक्स्ट इट हेल्प्स टू सिचुएट दिस इशू इन वट आई कॉल द broader dialectic of multiculturalism। The first movement in this dialectic is the movement of particularized hierarchy characterized by a dominant community to which other communities are subordinate। तो इन्होंने भी जो है कम्युनिटीज़ के बारे में बात किया, डोमिनेशन के बारे में बात किया कि कैसे जो है एक पर्टिकुलर हायरार्की बनी होती है, कैसे जो एक वो है कम्युनिटी है दूसरे को डोमिनेट करती है, तो वो उसके बारे में बात करते हैं। Difference between cultural communities is maintained but only with this relationship of subordination. In short, the only way in which differences is sustained is by treating communities unequally. The second movement may be named as a movement of universal equality. The only way to sustain equality here to deny the significance of cultural difference. तो कहते हैं कि अलग अलग कल्चर जो हैं उनमें क्या पाई जाती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन
डिफरेंसेस पाए जाने की वजह से कई बार इन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सल इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर हम कल्चरल डिफरेंसेस के सिग्निफिकेंस को ही डिनाई कर दें और हम कहें कि सब इक्वल है तो ये जो है अच्छे से होगा। डिफरेंस बिटवीन कल्चरल कम्युनिटीज इज मेंटेन्ड बट ओनली विद दिस रिलेशनशिप ऑफ सबॉर्डिनेशन। सॉरी ये तो हो गया ना। People are equal because their membership in a cultural community is deemed to be consequential. Rather, what matters is their status as individuals and their membership is an abstract political community. The third movement may be termed as a movement of particularized equality. तो वो क्या कहते हैं कि अलग अलग communities पाई जाती हैं, cultural communities जो हैं उन्हें equally रखना चाहिए, तो वो particularized equality की बात करते हैं ताकि सभी जो हैं equally रहे। Here people are different but equal membership in particular cultural group is important but so is the relationship of equality among different cultural communities। तो जितने भी अलग अलग cultural communities हैं उनमें भी equality पाई जानी चाहिए। This means every member should have recognition within society। A member of community cannot be subordinate to other member in a community or a community to other communities। This also talks about egalitarian multiculturalism. The class or achievement cannot be the basis for recognition, but only culture and way of life. तो ये communities की बात करते हैं कि कैसे जो एक community है, member of communities एक दूसरे को subordinate करते हैं, लेकिन multiculturalism की बात करते हैं लेकिन equality कई बार नहीं पाई जाती, तो हमने ये जो achieve नहीं किया, equality नहीं कई बार multiculturalism में पाई जाती, तो वो उनकी बात करते हैं। According to Rajiv Bhargava, there are three forms of multiculturalism. Rajiv Bhargava ji ke according jo multiculturalism hai, wo unke teen forms hai. First is egalitarian, where everyone is equal. Second is liberal, where everyone have freedom. And authoritarian, where everyone have authority. Ashok Chaskar in his book Multiculturalism in India, Fiction in English refers different forms of multiculturalism. अशोक चास्कर जी जो है उन्होंने उनकी बुक है इन इंडियन फिक्शन, तो उसमें उन्होंने फॉर्म्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में जो है बताया है। डेमोक्रेटिक मल्टीकल्चरलिज्म रिकॉग्नाइजेस द रियलिटी ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डिफरेंसेस एंड गिव्स देम अ पॉलिटिकल डायमेंशन। जो डेमोक्रेटिक मल्टीकल्चरलिज्म है इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, उनके डिफरेंसेस क्या हैं, उसके बारे में बात की जाती है। और ये बात की जाती है कि कैसे जो ग्रुप्स हैं उनमें क्लैश होता है, कैसे उनमें डिफरेंसेस आता है डेमोक्रेसी में भी। मल्टीकल्चरलिज्म अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और मल्टीकल्चरलिज्म करता क्या है, वो इन सभी को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, चाहे वो डायलॉग के फॉर्म में हो चाहे वो डिस्कशन के फॉर्म में हो। इट अज्यूम्स दैट सोशल इक्वालिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज नो ऑपरेशन सबॉर्डिनेशन। और कहते हैं इक्वालिटी तभी हो सकती है जब जहाँ पर ना ही किसी को ऑप्रेस किया जाए, सभी को इक्वालिटी मिले और सबॉर्डिनेशन ना हो। द फोकल थीम्स ऑफ डेमोक्रेटिक मल्टीकल्चरलिज्म आर सोशल हेट्रोजेनिटी डिवर्सिटी एंड फ्रीडम। इट एडवोकेट्स अ पॉलिटिक्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट अनदर काइंड ऑफ कंजर्वेटिव मल्टीकल्चरलिज्म व्हिच इज लेस एकोमोडेटिव देन द अदर फॉर्म्स। लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म सेलिब्रेट्स द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअलिज्म। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि राजीव भार्गव जी ने भी बताया है कि ये जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो अलग अलग काइंड्स की है, तो उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, फ्रीडम भी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तो इसमें कुछ और भी फॉर्म्स जो है पाई जाती हैं, लेकिन लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म जो है इसमें मेन वैल्यू है। मल्टीकल्चरलिज्म ब्रिंग्स टुगेदर द सेट ऑफ इश्यूज लाइक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, स्टेटस एंड रिकॉग्नाइजेशन, नीड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड मेंटेन डिफरेंस विद अदर्स। It allows immigrant groups to follow their own customs regarding food, dress, religion and association with others. तो इसमें जो है sense of belongingness होनी चाहिए, सभी together रहें, साथ में रहें, identity अपनी होनी चाहिए, status अपना होना चाहिए, अलग अलग चाहे differences हैं लेकिन इनमें जो एक immigrant group हैं, जो एक group हैं उसका अपना custom है, उसके अपने dressing sense है, उसका अपना religion है, तो उसे follow करने की उसे पूरी freedom होनी चाहिए।
नेक्स्ट हम कनाडा के बारे में पढ़ेंगे, द पॉलिसी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म इन कनाडा। ये जो है 1970 जो है उसमें अडॉप्ट की गई थी। अनडाउटली कनाडा इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट मल्टीकल्चरल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट मल्टीकल्चरलिज्म इज स्टडीड इन कैनेडियन कम। तो ये जो है एक बहुत ज़्यादा मल्टीकल्चरल सोसाइटी जो है पाई जाती है, तो इसीलिए अगर हम स्टडी करते हैं तो इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा था ना कि कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, ये क्या है, मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं। मल्टीकल्चरलिज्म वाज अ फैक्ट बिफोर इट एग्जिस्टेड एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी। मल्टीकल्चरलिज्म गवर्नमेंट पॉलिसी तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये एक फैक्ट भी है। इन 1867 कन्फेडरेशन कनाडा कंसिस्टेड ऑफ मिक्स पीपल। जब कन्फेडरेशन हुई थी 1867 में, तब से जो कनाडा है उसमें अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं जिन्हें मिक्स पीपल भी कहा जाता है। कनाडा हैज़ अ स्ट्राइकिंग पैटर्न, मोर देन हाफ ऑफ द पीपल ऑफ टोरंटो बिलोंग टू नॉन वाइट माइनॉरिटीज। कहते हैं टोरंटो में जो जितने भी लोग, ज़्यादा हाफ से भी ज़्यादा जो व्यक्ति हैं वो नॉन वाइट माइनॉरिटीज हैं। टोरंटो इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पारसी सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर मुंबई। मुंबई में कहते हैं ना कि पारसी रहते हैं, लेकिन टोरंटो एक सेकेंड लार्जेस्ट ऐसी सिटी है जिसमें बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो पारसी रहते हैं। द नंबर ऑफ सिख इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन इट, और इसमें सिख भी बहुत रहते हैं। इट इज़ यूजुअल साइकोलॉजी दैट वन फील्स कंफर्टेबल विद फैमिलियर पीपल एंड डिस्ट्रक्ट्स आउटसाइडर। हाउएवर इट कैन कॉज ग्रेट इवल एज सोर्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, इन्स्लेवमेंट, मर्डर, वॉर एंड अदर फॉर्म ऑफ इनह्यूमन एक्टिविटीज। लेकिन कुछ बुराइयां जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इन्स्लेवमेंट, मर्डर वगैरह। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू बिल्ड ब्रिजेस एंड बॉन्ड्स अमंग ह्यूमन बींग्स। तो ये सब ना हो, इसीलिए ये बुराइयां ना रहें, इसीलिए जो है एक ब्रिज उन्होंने बनाया है कि सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें बॉन्ड होगी तो वो ये सब नहीं करेंगे। अर्लियर ग्रुप्स हैड देयर प्रेजुडाइजेस, जितने भी पहले ग्रुप्स हैं उनके अपने प्रेजुडाइजेस हैं। इवन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा कॉल्ड हिमसेल्फ ब्रिटिश एंड कैनेडियन। जो उनका पहला प्राइम मिनिस्टर है अपने आप को वो ब्रिटिश और कैनेडियन ही कहता है। देयर वर सिस्टमैटिकली डिस्क्रिमिनेटेड लॉज अगेंस्ट ज्यूज एंड नॉन वाइट माइनॉरिटीज फेवरिंग द वाइट्स। द चिल्ड्रन ऑफ नेटिव्स वर फोर्स्ड टू जॉइन बोर्डिंग स्कूल्स सो एज टू टीयर फ्रॉम नेटिव लैंग्वेज एंड हेरिटेज। तो कई बार जो है डिस्क्रिमिनेशन की जाने लगी ज्यूज़ और नॉन वाइट माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, वाइट्स को फेवर किया जाने लगा, उन्हें फोर्स किया जाने लगा ताकि वो बोर्डिंग स्कूल जो हैं वो ज्वाइन करें, ताकि वो अपने नेटिव लैंग्वेज और हेरिटेज से जो है वो पीछे हों। थ्रो दीज वर प्रॉब्लम्स कैनेडा ट्राई टू इंटीग्रेट पीपल ऑफ ऑल एथनीसिटीज। फ्रेंच एंड इंग्लिश वर द मोस्ट ग्रुप्स इन कैनेडा। कैनेडा में कौन से मोस्टली ग्रुप पाए जाते हैं, फ्रेंच और इंग्लिश, विच लेड टू बिलिंगुअलिज्म एंड बायकल्चरलिज्म। तो ये दो लैंग्वेज पाई जाती हैं, इसलिए इसे बायलिंगुअलिज्म भी कहा जाता है, और मोस्टली इसमें दो कल्चर्स पाए जाते हैं तो इसे बायकल्चरलिज्म भी कहा जाता है। एक्चुअली द एलिमेंट्स ऑफ बिलिंगुअलिज्म एंड बायकल्चरलिज्म हेल्प कैनेडा टू एस्टैब्लिश मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी। बिलिंगुअलिज्म के एलिमेंट्स होने के कारण, बायकल्चरलिज्म के एलिमेंट्स होने के कारण जो कैनेडा है उसे मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी कहा जाने लगा। डोनाल्ड ई वॉटरफॉल पॉइंट्स आउट इट्स बेसिक आइडियाज। अकॉर्डिंग टू हिम इट्स एम इज टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग दैट मल्टीकल्चरलिज्म रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल एंड रेशियल डिवर्सिटी ऑफ कैनेडियन सोसाइटी एंड एक्नॉलेजेस द फ्रीडम ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ कैनेडियन सोसाइटी टू प्रिजर्व, एनहांस एंड शेयर देयर कल्चरल हेरिटेज। तो उन्हें रेशियल डिवर्सिटी होने की वजह से उन्हें फ्रीडम दी गई कि जितने भी कैनेडियन सोसाइटी में मेंबर्स हैं वो अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो ये जो है जितने भी मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ हैं, सिटीज़ हैं, नेशंस हैं, उनमें ये सब जो हैं वो वैल्यूज़ होती हैं। टू प्रमोट फुल एंड इक्विटेबल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज ऑफ ऑल ओरिजिन्स इन द कंटिन्यूइंग एवोल्यूशन एंड शेपिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कैनेडियन सोसाइटी एंड असिस्ट देम इन द एलिमिनेशन ऑफ एनी बैरियर टू दैट पार्टिसिपेशन। तो उन्हें भी जो है फुली इक्विटेबल पार्टिसिपेशन दिया जाने लगा,
और किसी भी तरीके का कोई भी बंदिश जो है उन्हें नहीं लगाई गई. टू इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स रिसीव इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ. तो इसमें सभी व्यक्ति जो है उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दी जाने लगी, इक्वल प्रोटेक्शन दी जाने लगी और उनके जो अपनी डाइवर्सिटी है उन्हें वैल्यू दी जाने लगी, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाने लगी. ऐसे जो है ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल सोसाइटी भी है, उनकी हिस्ट्री में भी बहुत ही सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव मल्टीकल्चरल या मल्टी रैशनल भी कह सकते, रेशियल भी कह सकते हैं कम्युनिटी पाई गई. What has changed over decades has not been the fact of Australian population diversity, but the different policy frameworks developed by government to develop and interpret that diversity. तो जो हमारी ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन डिवर्सिटी थी उसे डिवेल्प करने के लिए जो है फ्रेमवर्क किया गया और ये जो है रिकमेंडेशंस कुछ की गई जिसे हम गैलबाले रिपोर्ट कहते हैं. 1978 को ये दी गई थी, ये फर्स्ट नेशनल पॉलिसी भी इसे कहा जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया की पहली नेशनल पॉलिसी थी. द रिपोर्ट वॉज कंपाइल्ड फॉर द फ्रेजर गवर्नमेंट एज ए पार्ट ऑफ द रिव्यू ऑफ माइग्रेंट सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स. तो ये जो है किसके लिए थी, फ्रेजर गवर्नमेंट के लिए थी. बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है माइग्रेट कर रहे हैं तो इसके क्या जो है प्रोग्राम्स थे, क्या पॉलिसीज थे, वो ये थे. ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड हैव इक्वल एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज. तो इसमें था सभी जो व्यक्ति हैं सोसाइटी के सभी को, सभी जो है इक्वल होने चाहिए, सभी को इक्वल सुविधाएं दी जानी चाहिए. एवरी पर्सन टू बी एबल टू रिटेन हिज और हर कल्चर विदाउट प्रेजुडाइज और डिसएडवांटेज एंड बी इंकरेज टू एम्ब्रेंस एंड अंडरस्टैंड अदर कल्चर्स. तो जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें अपने कल्चर को बिना भेदभाव से जो है वो माने, किसी भी तरीके की उन पर बंदिश ना हो, कोई डिसएडवांटेज ना हो, उन्हें कोई भी दूसरे के जो रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करने के लिए इनकरेज ना करें. माइग्रेंट्स नीड्स आर टू बी मेट बाय मेन स्ट्रीम सर्विसेज बट स्पेशल सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स आर टू बी इन प्लेस एट फर्स्ट. जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल सर्विसेज जो हैं वो लाई गई. देयर बी फुल कंसल्टेशन विद क्लाइंट्स इन डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ सर्विसेज विद द फोकस ऑन माइग्रेंट्स बिकमिंग सेल्फ रिलायंट क्विकली. तो फुल कंसल्टेशन होनी चाहिए डिज़ाइन के लिए, सर्विसिंग के लिए, ताकि जो माइग्रेंट्स हैं वो भी सेल्फ रिलायंट हो. द पॉलिसी रिप्रेजेंटेड अ डिस्टिंक्ट शिफ्ट अवे फ्रॉम द एसिमिलेशन अप्रोच विच हैड डोमिनेटेड इन द 1940s एंड 1950s. और ये जो अप्रोच थी थोड़ी मिलती जुलती थी जो उन्होंने पहले भी जो है अप्रोच दी थी 1940s और 1950s में. असिमिलेशन डिमांडेड सरेंडर ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल हेरिटेज एंड अ फास्ट इंटीग्रेशन इन टू मेन स्ट्रीम सोसाइटी. वो क्या कहते थे कि सभी जो लैंग्वेज कल्चरल हेरिटेज है उसे असिमिल कर दिया जाए टुगेदर, ताकि सभी जो है टुगेदरनेस से रहें, सरेंडर कर दिया जाए. द न्यू कल्चरल पॉलिसी रिकोगनाइज दैट माइग्रेंट्स कुड रिटेन देयर कल्चरल आइडेंटिटी एंड सक्सेसफुली इंटीग्रेट विद सपोर्ट ओवर टाइम. द अबॉलिशन ऑफ द वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी इन 1973 पेव द वे फॉर द लेजिस्लेटिव फाउंडेशन ऑफ द मल्टी कल्चरल पॉलिसी इनेक्टेड अंडर द कॉमनवेल्थ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट इन 1975. इसको अबॉलिश करने के लिए जो उन्होंने वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी भी बनाई है 1973 में, फाउंडेशंस जो की हैं RDA बना है 1975 में. द RDA रिस्पॉन्डेड इन पर्टिकुलर टू ऑब्लिगेशंस अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो RDA ने जो है ICERD बनाया, जिसकी फुल फॉर्म हमने अभी पढ़ी है, सितंबर में बना था ये. गवर्नमेंट जो थी 1980s और 1990s की, उन्होंने एडवाइजरी काउंसिल्स बनाई हैं ताकि जितने भी माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ पे आके सेटल होते हैं वो अच्छे से रहें, जिनमें फैमिली री यूनियन भी हो, कल्चरल एक्सप्रेशन हो, सोशल हार्मनी हो, सोशल जस्टिस हो, ताकि सभी के साथ न्याय हो सके, सभी एकता के साथ रहें, किसी भी तरीके का जो भेदभाव है वो किसी से ना हो. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म. अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, रिस्पेक्ट फॉर फूड ड्रेस म्यूजिक ऑफ अदर कल्चर इज मल्टीकल्चरलिज्म. मल्टीकल्चरलिज्म है क्या, दूसरे के फूड को, ड्रेस को रिस्पेक्ट करना, दूसरे के कल्चर को जो है वो रिस्पेक्ट करना. दिस डजंट मीन दैट
they will be treated with equal dignity. They can be looked down upon with other issues in the society and so inferior to whites. लेकिन फिर भी जो है उन्हें इक्वालिटी नहीं दी जाती थी क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज थे वहाँ पे उन्हें वाइट से इंफीरियर माना जाता था. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर दैट इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट सो द कल्चर ऑफ द ग्रुप में भी सेम. लेकिन जो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थे वो मोस्टली सेम ही थे. दिस इज़ रॉन्ग टू से दैट ओनली द कल्चरल डिफरेंसेज क्रिएट क्लैशेज इन सोसाइटी. अगर हम कहें कि सिर्फ कल्चर डिफरेंस है इसकी वजह से ही जो है क्लैशेज आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो ये सही नहीं होगा. Sometimes it is seen that cultural homogeneous also lead to struggle among the people of same group and same culture. कई बार अगर एक culture हो, एक group हो, तब भी जो है clashes ऐसे पाए जाते हैं. In case of problems of multiculturalism, Rajiv Bhargava points out, multiculturalism is egalitarian but it can also be hierarchical and is liberal but also authoritarian. हमने तो ऊपर पढ़ाई है कि राजीव भार्गवा ने कहा था कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है उसके तीन फॉर्म्स हैं, वो तीन तरह की होनी चाहिए और वो कौन कौन सी थी, हायरार्किकल, लिबरल और अथॉरिटेरियन. सो एन एडवोकेसी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म इज नॉट एग्जैक्टली फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स, सम ऑफ दीज आर इजिली एक्सप्लीकेटेड. तो कुछ जो मल्टीकल्चरलिज्म है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो इजीली हमें कई बार नहीं पता चलती उनकी प्रॉब्लम्स भी. एज ईच ग्रुप इज़ अलाउड टू मेंटेन इट्स सेपरेट आइडेंटिटी, जैसे हर एक ग्रुप जो है वो अपनी आइडेंटिटी खुद बनाना चाहता है, तो मल्टीकल्चरलिज्म ऐसे हायरार्किकल भी हो जाता है. द सुपीरियर ग्रुप्स एंड कल्चर में कॉन्टिन्यू टू बी सुपीरियर एंड इन्फीरियर ग्रुप्स आर एज इन्फीरियर. तो क्या करते हैं, ग्रुप उन्होंने जो बनाया होता है, जो सुपीरियर ग्रुप है उन्हें सुपीरियर रखते हैं, जो इन्फीरियर ग्रुप उन्होंने पहले से बनाए हुए हैं वो इन्फीरियर रखते हैं. इट डिमांड स्ट्रिक्ट ओबीडियंस फॉर अथॉरिटी दैट इट इज़ अथॉरिटेरियन, तो उनकी स्ट्रिक्ट ओबीडियंस होती है. इट सीम्स दैट ग्रुप अथॉरिटी इज गिवन मच ऑफ इम्पॉर्टेंस, और इनमें जो है ग्रुप अथॉरिटी दी जाती है सबको. सम इंग्लिश स्पीकिंग कैनेडियंस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द मल्टीकल्चरलिज्म पॉलिसी, कुछ जो इंग्लिश स्पीकिंग कैनेडियंस हैं उन्होंने ऐसी मल्टीकल्चरलिज्म पॉलिसी को प्रोटेस्ट किया. They thought that this is an attack on English Canadians' deep-rooted heritage of British values which are central to Canada's civic culture. In addition, they felt it will lead to an eradication of British institutions and traditions. तो उन्हें ये लगा इससे क्या है कि जो ब्रिटिश के वैल्यूज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ट्रेडिशन जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. Multiculturalism tells us that we are likely different from each other, at last we all are one. वो कहते हैं कि चाहे हम थोड़े डिफरेंट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन हम सब क्या हैं, एक ही हैं. ऐसे ही किम खोंग हुन ने कहा है, मल्टीकल्चरलिज्म इज़ अ रीसेंट कॉइनेज दैट लिटरली रेफर्स टू द स्टेट ऑफ को एग्जिस्टेंस. ये क्या है, एक को एग्जिस्टेंस है जिसमें सभी व्यक्ति साथ में रहते हैं, चाहे वो किसी रेस के हों, चाहे वो उनकी वैल्यूज़ अलग हों, कोई भी रिलीजन के हों, चाहे जेंडर के हों, चाहे एथनीसिटी के हों, सभी इक्वल हैं. कल्चरल डिवर्सिटी इज़ अ फैक्ट टुडे, कल्चर डिवर्सिटी जो है आजकल पाई जाती है तो एक फैक्ट ही है. देयर आर मोर देन 6,000 कम्युनिटीज एंड सो मैनी लैंग्वेजेस इन टुडेज वर्ल्ड. अगर हम देखें तो आजकल हमारे देश में 6,000 से भी ज़्यादा जो है वो कम्युनिटीज पाई जाती हैं और इससे भी ज़्यादा जो लैंग्वेजेस पाई जाती हैं. तो अलग अलग विज़न है, सभी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सभी के अपने बिलीव्स हैं, सभी के अपने वैल्यूज़ हैं. Multiculturalism is a way of life, living together but appreciating cultural life of others. Multiculturalism है क्या, हम सभी इकट्ठे रहेंगे लेकिन फिर भी जो है हम सभी के कल्चरल लाइफ को, वैल्यूज़ को अप्रिशिएट करेंगे, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे. इट्स एस्पेक्ट डायलॉग्स अमंग मैनी ग्रुप्स, इट इज़ नाइदर टू आइडलाइज नॉट टू रिजेक्ट अदर, ये ना ही किसी को ज़्यादा बढ़ावा देता है ना ही किसी को रिजेक्ट करता है. Multiculturalism expects in action strong moral cohesion and social responsibilities. तो इसमें जो है mostly moral values ही आती हैं कि जो सभी के साथ socially रहना है, सभी के साथ equality के साथ रहना, जो हमारी social responsibilities है. If there is prejudice against other, the clash between them and us increases. अगर किसी में हम किसी के साथ भेदभाव करेंगे तो क्या होगा, क्लैश बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, जिससे जो है लड़ाइयाँ जो कम्युनल रूट्स का रूप धारण करेंगी.
This automatically hampers the development of nation. So far for nations cause multiculturalism talk of unity and diversity. इसीलिए जो है multiculturalism में बात करता है unity and diversity. Multiculturalism requires two things. Multiculturalism में दो चीज़ें हैं. पहले तो equality of opportunity. सभी जो है equal होने चाहिए. Proportional representation. और सभी को proportionally represent करना चाहिए. The idea of multiculturalism carries with society having inter-ethnic, inter-racial harmony, respect for different differences. जितने भी कल्चर हैं उनके साथ हार्मनी के साथ रहना, तो ये जो है मल्टीकल्चरलिज्म का मेन आइडिया है. However, there were other group, people and groups who welcomed and supported the multiculturalism policy. बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो सपोर्ट करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म को, जैसे कि पॉलिसी भी बनाई हुई है जो कनाडा में यूनिवर्सल एक्सपीरियंस पर, उन्होंने ज़्यादा जितने डाइवर्सिटी पाई जाती है वहाँ पर, तो ये जो है उनका एक कैनेडियन नेशनल प्राइड की तरह है कि सभी जो हैं, इतनी भिन्नताएँ पाई जाती हैं लेकिन फिर भी जो है वो डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव करें. डेमोक्रेसी हमने पहले भी किया कि डेमोक्रेसी इक्वालिटी की बात करता है, तो जहाँ पर इक्वालिटी की, जस्टिस की बात आएगी, सभी की फ्रीडम की बात आएगी, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी. नेक्स्ट इज कंक्लूजन. जो हमारी मल्टीकल्चरलिज्म है, हमने इतना पढ़ा कि मल्टीकल्चरलिज्म है क्या. इसमें अलग अलग कल्चर्स जो हैं उन्हें इक्वालिटी के साथ रखा जाता है, किसी भी तरीके का तो जो है भेदभाव नहीं किया जाता. तो ये जो है मेन मल्टीकल्चरलिज्म ही यही है कि कैसे उसे मैनेज करना है, कैसे इनके आइडियोलॉजीज़ हैं, कैसे अलग अलग एटीट्यूड्स हैं, कैसे जो है हमें जो डिफरेंसेस हैं उनके बावजूद सभी के साथ इक्वालिटी से रहना. तो यही है मेन मल्टीकल्चरलिज्म. सो होप यू लाइक दिस चैनल. जय हिंद, जय भारत.